Hey guys, how are you doing all? So guys, welcome to Foundation and NTSC channel. My name is Devanshu Gupta and I am here to take a very very interesting session on biology. आज biology के ऊपर कुछ question करने वाले हैं guys. So guys, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कोई नया teacher आया है. So guys, yes, I am new on this channel and मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ. Let's crack 10 CBSE. CBSE boards के लिए मैं पढ़ाता हूँ guys. एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज. हेलो गाइस, सो वेलकम टू लेट्स क्रैक 10 CBSE. ये जो चैनल है यहाँ पर मैं 10th क्लास की बायो पढ़ाता हूँ और आप सभी NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को 10th का बोर्ड भी देना है. सो गाइस, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू क्रैक दी 10th क्लास CBSE बोर्ड्स एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद दी NTSC एंड ओलंपियाड्स. सो गाइस, आप इस चैनल से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एंड आपको, ट्रस्ट मी गाइस, आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा एजुकेशनल. साथ ही साथ आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा. जैसा आपको फाउंडेशन एंड NTSC के ऊपर अभी मिल रहा है वैसा ही एक्सपीरियंस आपको होने वाला है इस पर्टिकुलर चैनल पे. सो गाइस, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एक बार सर्च कर लीजिए ताकि आपको क्या हो जाए, आपको चैनल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. आने वाले जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. चलो गाइस, आज करेंगे हम NTSC स्टेज वन के लिए बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं, मैंने उसके क्वेश्चन किए हैं. सो गाइस, उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है. मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और मैं पढ़ाता हूँ आपको बायोलॉजी. इस चैनल के ऊपर बायोलॉजी पढ़ाता हूँ. मैंने एम्स, NTSC, IJSO, ओलंपियाड्स और CBSE बोर्ड्स के बच्चों को अभी तक पढ़ाया है. नीट के बच्चों को भी काफ़ी प्रिपेयर किया है, मेंटर किया है. सो गाइस, कितने लोग आ गए एक बार शेयर कर दो यार. सारे लोग आज मेंटी क्विज करेंगे, बहुत मस्त क्विज करेंगे. और गाइस, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मेरे कोर्सेज अवेलेबल है तो आप इस लिंक पे मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो. ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, और यह है मेरा रेफरल कोड जहाँ से आप अनअकैडमी के जो भी कोर्सेज हैं प्लस पे अवेलेबल उनको एक्सेस कर सकते हो. ओके गाइस, तो गाइस कितने लोग आ गए हैं. चलो बिल्कुल बिल्कुल मजे से क्विज करेंगे आज. कोई टेंशन नहीं है यार, जितनी भी टेंशन है आपके अंदर की सारी टेंशन को छोड़ दो. बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्विज होने वाला है आज. NTSC के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्विज आपके शायद वन ऑफ दी बेस्ट क्विज हो सकती है. सो गाइस, क्लास 10th की अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि यह इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है. अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पता ही होगा कि आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट, आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और आपको मिलते हैं अनलिमिटेड एक्सेस. यस गाइस, मेंटी क्विज है बिल्कुल मेंटी क्विज है बेटा. आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं गाइस, CBSE बोर्ड्स के लिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं और मेरे भी सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है. आप मेरे कोर्सेज के थ्रू भी पढ़ सकते हो. प्लस पे मेरे कोर्सेज अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली और मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ, दिन में 3-4 क्लासेस लेता हूँ तो आप मुझसे वहां भी पढ़ सकते हो. गाइस, अब बात करते हैं हम किसकी सब्सक्रिप्शन की. तो ये आपके अमाउंट है अलग अलग, 10th, 11th और 12th तीनों को मर्ज कर दिया गया है और अगर आप चाहें तो तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ ले सकते हैं. वो आपको क्या पड़ेगा, थोड़ा बेनिफिशियल होगा. तो अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 15,000 पे करना है. 24 मंथ का प्लान लेते हो तो आपको 25,000 पे करना है और 36 मंथ का अगर आप 10th, 11th, 12th तीनों का प्लान करना चाहते हैं तो आपको 32,000 पे करना है. सो गाइस, इसमें आप अगर मेरा कोड यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट एंड यू विल बी एबल टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म. चलो गाइस, तो मेंटी क्विज स्टार्ट होने वाला है गाइस जस्ट विद इन अ मिनट. चलो सारे लोग ये कोड डाल लो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है. सारे लोग ये कोड डाल लीजिए आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है 333118. menti.com पे जाइए, www.menti.com पे जाइए गाइस. 333118 इज द कोड, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे कोड, इट इज द कोड. इस कोड को लगा लीजिए गाइस, इसको डाल लीजिए अपने. ठीक है,
डाल लीजिए इसको जाके यहाँ पे कोड डाल लीजिए। सारे लोग, कितने लोगों ने डाल लिया है बता दो, कितने लोग आ गए? लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड गाइस, इट्स गोइंग ग्रेट। 333, मैं कमेंट में लिख रहा हूँ गाइस कोड। ये कोड लिख दिया है मैंने कमेंट में। गाइस शेयर कर दो यार, जिन बच्चों को पता नहीं है मेरे बारे में, ठीक है, उन लोगों के लिए शेयर कर दो एक बार, सारे लोग, ठीक है। कुछ बच्चे आ गए हैं अभी, कुछ बच्चे आ गए हैं। आई एम वेटिंग फॉर सम मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। सारे लोग आ जाओ जल्दी से, ठीक है। कोड डालो, menti.com पे जाइए, कोड को डालिए और एंटर कर दीजिए। विद इन 2 मिनट्स हम स्टार्ट करेंगे क्विज को, और आज 50 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे गाइस, 50 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसमें आपको अपना जवाब देना है, फिर मैं आपको क्या करूंगा, उस आंसर का एक्सप्लेनेशन दूंगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग करते ही हैं यार, आपके लिए डेली का काम है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। चलो, कितने लोग आ गए? सारे लोग कोड डाल लो गाइस, 333118, ठीक है। ये कोड है 333118। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल से जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सारे लोग आ जाओ। किन किन का हो गया यार कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार, जिसका नहीं हुआ है वो भी बता दो और जिसका हो गया है बता दो। कोड कहाँ डालना है? www.menti.com पे जाइए, वहां पे ये कोड डाल दीजिए, आपसे एक कोड मांगेगा वो, वहां पे कोड डाल दीजिए। कोड आपको डालना है 333, ठीक है, 3118। हाँ, 52 क्वेश्चन के लगभग है, 50 से 52 क्वेश्चन के लगभग है, ठीक है। बिल्कुल मजे से क्वेश्चन करेंगे आज, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है यार। हो गया गाइस, चलो स्टार्ट करूं? बोलो सारे लोग, स्टार्ट करूं क्या यार? स्टार्ट कर दूं बिल्कुल। वेबसाइट का नाम है www.menti.com, ये यहाँ पे देखिए ना गाइस, www.menti.com, www.menti.com, ठीक है। हो गया क्या? हो गया सारे लोगों का, जो जो यहाँ पे है, वेबसाइट का नाम है भाई। ये वेबसाइट का नाम है www.menti.com। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम किसको, चलो आ जाओ सारे लोग, आ जाओ जल्दी जल्दी आओ यार, जल्दी जल्दी आओ। चलो जो सबसे जल्दी देगा आंसर उसको क्या मिलेगा? ज्यादा टाइम मिलेगा। कंपनसेशन पॉइंट रिफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ स्मॉलर देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड नन ऑफ द अबोव। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कंपनसेशन पॉइंट किसको कहा जाता है गाइस? व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? टेल मी गाइस, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? 38, 39, 40 गाइस, कम अप कम अप। चलो ये देखो, 28 बच्चों ने सही जवाब दिया है और बाकी सबका गलत है। कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है गाइस, जब आपकी जो रेस्पायरेशन जिस रेट से हो रहा है वो आपका फोटोसिंथेसिस की रेट को मैच कर ले। मतलब जितना आपका CO2 बन रहा है उतना ही आपका क्या बने, उतना ही आपका O2 बने और दोनों का यूटिलाइजेशन हो जाए, उसको कहा जाता है कंपनसेशन पॉइंट। ये आपका होता है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, जिसको कहा जाता है आपका कंपनसेशन पॉइंट। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं भाई, लीडर बोर्ड। रिद्धिमान वेरी गुड, ठीक है। महेंद्र, सैमुअल, नीमो, चैंपियन, अर्श, नरूला, देवांशु सर, वन ऑफ द फैन, वाह, द प्रथमेश एंड अंशुल, पन्नू, अभिषेक कुमार माजी। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरीके से आपको फटाफट करना है गाइस, क्विज करते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है गाइस कि आपकी एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको टाइम लग जाए थोड़ा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कम नहीं होना चाहिए। जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्राई करिए कि मैक्सिमम आप क्या कर सके, सही कर सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस आपके सामने, ठीक है, बिल्कुल ये आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चलो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम? इनमें से किसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है? सलाइवा के पास नहीं होता है, पेनक्रियाटिक जूस के पास नहीं होता है, सी ऑप्शन है आपका गैस्ट्रिक जूस, एंड डी है आपका बाइल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, इट्स ए हलवा क्वेश्चन। क्या है?
बिल्कुल हलवा है, ठीक है, लड्डू हलवा जो कहो वो कह दो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे क्या करे, इसका आंसर सही करे, इसका आंसर गलत मत करना यार, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गाइस। टाइम सब हो गया है, चलो 26 बच्चों ने बोला है आपका बाइल, 9 बच्चों ने बोला है सलाइवा, 3 बच्चों ने बोला है पेंक्रियाटिक जूस और 4 बच्चों ने बोला है गैस्ट्रिक जूस। भाई आंसर होता है आपका बाइल, बाइल इज सिक्रेटेड इन द लीवर। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं आपके बाइल सॉल्ट और एक होता है आपका बाइल पिगमेंट, है ना। तो बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट दोनों से मिलकर आपका बनता है बाइल, और बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता गाइस, बाइल के अंदर आपका कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रखा, हर 3 क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड मिलेगा। द फर्स्ट इवेंट इन द फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस का पहला इवेंट क्या होता है। पहला आपको दिया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा दिया है आपको रिलीज ऑफ वाटर, तीसरा दिया है आपको फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, एंड चौथा दिया है आपको फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड इरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल बेसिक है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। चलो गाइस टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए सारे लोग। चलो टाइम सब देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट। 23 बच्चों ने बोला है डी, चलो सही है सब, 23 बच्चों का सही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH ये गलत है गाइस, रिलीज ऑफ वाटर भी गलत है, और तीसरा आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी गलत है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपका लाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल क्या करते हैं आपके, एक्साइट होते हैं ना, तो पहला इवेंट होता है आपका फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, ठीक है। मेंटिकोट क्या है, मेंटिकोट ले लो यार, ये मेंटिकोट मैंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया है गाइस यूट्यूब के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ध्यान रखिए क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट ब्लड के अंदर किस फॉर्म में होता है। पहला दिया है आपको कार्बोनिक एसिड, दूसरा दिया है आपको बाइकार्बोनेट्स, तीसरा दिया है आपको कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बे हीमोग्लोबिन, ठीक है, और चौथा दिया है आपको डिसॉल्व्ड CO2। किसके फॉर्म में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर। जो बच्चे नए आए हैं एक बार कर लो, कोड है आपका 333118, 333118 इज द कोड। सो गाइस जाके क्या कर लो, menti.com पे जाइए, ये कोड डाल दीजिए, आप भी इस क्विज में जुड़ जाएंगे। गाइस ओनली 16% यार, बहुत एम्बेरेसिंग है यार, ये बहुत एम्बेरेसिंग है। आपसे पूछा है सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है CO2 का, वेरी बेसिक क्वेश्चन गाइस, इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। चलो आपका होता है कार्बन किसके फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 निगेटिव आयन के फॉर्म में आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है रेस्पायरेशन की वजह से, आपके सेल के अंदर बनता है, आप सबको पता होगा रेस्पायरेशन से आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है आपका CO2, वाटर और आपकी एनर्जी। अब CO2 बन रहा है तो ये निकलेगा कहाँ से, ये सेल्स में आपका क्या जाता है, ब्लड इसको वापस लेके आता है सेल्स से, और आपका HCO3 निगेटिव के फॉर्म में सबसे ज्यादा आपका ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लीडर बोर्ड देख लो गाइस, लीडर बोर्ड देखिए। सैमुअल इज ऑन द टॉप, महेंद्र इज ऑन द सेकंड, देवांशु सर वन ऑफ द फैन। ओ सैमुअल, अभिक कुमार माजी, महेंद्र मार्स, देवांशु सर वन ऑफ द फैन, कोई नाम है मेरे नाम का बच्चा आया, ठीक है। अमन, नोना सिंह, उद्भव, प्रथमेश एंड यश, वेरी गुड गोइंग गाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रखा, यार एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में, मजा आ रहा है क्या आप लोगों को। नोट्स ऑफ रणवीर आर एब्सेंट इन, नोट्स ऑफ रणवीर, आपकी जो नोट्स ऑफ रणवीर पाई जाती है वो कौन से न्यूरॉन्स में एब्सेंट होती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स, किसके अंदर आपकी नोट्स ऑफ रणवीर एब्सेंट होती है गाइस। इन विच न्यूरॉन्स द नोट्स ऑफ रणवीर आर एब्सेंट, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स, किसके अंदर आपकी नोड्स ऑफ रणवीर आर एब्सेंट होती है, जल्दी आंसर करिए टाइम सब। मेंटिकोट लिख लो भाई, 333118,
वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। 32 बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। बाकी बच्चों को जिनको कंफ्यूजन था मैं आंसर बता दूं भाई। नोड्स ऑफ रणवीर जो होती है आपकी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में आपकी एब्सेंट होती है, ये नोड्स ऑफ रणवीर वहां पे नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा अगली बार से, नोड्स ऑफ रणवीर आर एब्सेंट इन दी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। आपको पता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो होते हैं जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है आपकी, आपकी जो एक्सोन के ऊपर शीथ होती है, लेयरिंग होती है माइलिन शीथ की, वो पाई जाती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में आपका माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। तो जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होता है उसमें आपका नोड्स ऑफ रणवीर भी आपका एब्सेंट होता है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following control the involuntary action in the body? Body के अंदर जितनी भी involuntary action होती है, जैसे आपकी पलक का झपकना, ठीक है, इनको कौन control करता है? Medulla in the hind brain, medulla in the forebrain, medulla in the spinal cord and medulla in the spinal cord. C और D सेम ऑप्शन हो गया है, गलती से C और D ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। तो गाइस आप D को अवॉइड, तीन में ही आंसर कर दीजिए। D आपका गलती से क्या हो गया है? गलती से दोनों ऑप्शन सेम हो गए, इट्स माय फॉल्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। सो गाइस आंसर है आपका 31 वाले जो है, मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है आपका, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं आपको पता है ना, फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का आपका पार्ट होता है मेड्यूला। मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन होती है आपकी, उनको कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला करता है। और मेड्यूला किसका पार्ट है? मेड्यूला आपका पार्ट है हाइंड ब्रेन का। गाइस और कौन कौन से पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के, कौन बताएगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो और कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके मेड्यूला के, ठीक है, सॉरी हाइंड ब्रेन के और कौन से पार्ट होते हैं? Who will tell me? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो ऑल करेक्ट आंसर गिव्स मैक्स पॉइंट्स। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सोल्यूबल इन वॉटर। इन चारों पिगमेंट में से कौन सा पिगमेंट होता है आपका जो आपका सोल्यूबल होता है वॉटर में? चलो सेरेबेलम, सेरेबेलम, वेरी गुड गाइज, पॉन्स। चलो सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला आर दी हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर कौन सा पिगमेंट आपका सोल्यूबल होता है? एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। विच ऑफ अमंग दिस इज सोल्यूबल इन वाटर? चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। यार मैक्सिमम लोगों का गलत चले गया, 21 बच्चों ने सही किया है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इज द पिगमेंट विच इज सोल्यूबल इन वॉटर। बाकी क्लोरोफिल, कैरोटीन और आपका जेंथोफिल सोल्यूबल नहीं होते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। एंथोसाइनिन इज द पिगमेंट। किस में पाया जाता है एंथोसाइनिन? आपका फ्लावर में पाया जाता है, आपके फ्रूट्स में पाया जाता है। ये पिगमेंट आपका सोल्यूबल होता है, बाकी पिगमेंट्स आपके क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा एंथोसाइनिन आपका पाया जाता है फ्लावर्स के अंदर और आपके फ्रूट्स के अंदर। ओके लीडर बोर्ड आएगा गाइस, लीडर बोर्ड इज कमिंग ऑन योर वे, आपके वे में आ रहा है लीडर बोर्ड। चलो सैमुअल, अच्छा अभीक ने भाई क्या कर दिया है, अभीक ने हटा दिया है सैमुअल को। अभीक इज ऑन द टॉप, सेकंड इज सैमुअल, प्रथमेश, महेंद्र, नोना सिंह, देवांशु सर वन ऑफ द फैन, स्वास्तिक, मार्स, यश एंड सक्षम कुलशेष्ट्र। ओके ओके गाइस तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है यार। उसके पहले शेयर कर दो एक बार गाइस, सारे लोग शेयर कर दो यार एक बार, ठीक है। द रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज स्लो। अगर आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का रेट क्या है? स्लो है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, रिमेन्स सेम, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इफेक्टेड बाय, इट विल बिकम फास्टर, इट विल बिकम स्लोअर, इट विल बिकम सेम और इट विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। क्या होगा अगर रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन आपका क्या है? स्लो है, तो फोटोसिंथेसिस का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? फास्ट गाइस फास्ट आंसर करिए, बस टाइम सब होने वाला है। गाइस सिर्फ 13 बच्चों ने सही जवाब दिया है यार, ध्यान रखिए।
आपका जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है, जो आपका ट्रांसलोकेशन का रेट होता है फूड का, उसका फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये कोई फैक्टर नहीं होता है जो आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, आपका चेंज करेगा या अफेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्वेश्चन था आपसे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपने क्या अपने जो फैक्टर्स पढ़ रखे हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनमें से चेक किया। आपने नहीं किया होगा गाइस, इसलिए आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन का कोई भी लेना देना नहीं होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, ओके। तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि आपकी कम होगी या ज्यादा होगी उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। रोंग पोल नहीं है बेटा, नहीं है रोंग पोल, पुराना क्वेश्चन में रोंग पोल नहीं था। ध्यान रखिएगा गाइस, कर्डिंग ऑफ मिल्क इन द स्टोमक इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ, आपका जो मिल्क का डाइजेशन होता है, मिल्क का आपका कर्ड बनता है स्टोमक में, ये किसके कौन से एंजाइम की एक्शन की वजह से होता है, पेप्सिन की वजह से, ट्रिप्सिन की वजह से, रेनिन की वजह से या रेनिन की वजह से। गाइस ध्यान रखिए, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस अलग अलग है दोनों की, और दोनों एंजाइम भी अलग अलग है, तो आप स्पेलिंग चेक करके आंसर करिएगा, टाइम अप होने वाला है। एक में डबल एन है और एक में आपका एन है, याद रखिएगा क्या है आंसर। सी एन डी सेम नहीं है, सी एन डी सेम नहीं है, रेनिन एग्जाम आपका, रेनिन एक क्या होता है, रेनिन आपका जिसमें डबल एन आता है वो आपका एंजाइम अलग होता है, और एक जिसमें सिंगल एन आता है वो आपका एंजाइम अलग होता है। एक रेनिन आपका किडनी में काम करता है, ये आपका कब, आपका यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, और ये जो डबल एन वाला रेनिन है ये आपका स्टमक के अंदर मिल्क का डाइजेशन करता है। गाइस ध्यान रखिएगा, ये रेनिन और रेनिन दोनों कंफ्यूज करते हैं, डबल एन वाला क्या करेगा आपका मिल्क का क्या करेगा, मिल्क का डाइजेशन करता है, तो RENIN, ठीक है, ये वाला रेनिन क्या करता है आपका, डाइजेशन करता है मिल्क का, ओके। प्रीवियस वाज नॉट रॉन्ग, इट वाजंट रॉन्ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जिसको डाउट है मुझे टेलीग्राम पे भेज सकता है यार, जिसको डाउट है मुझे भेज सकता है टेलीग्राम पे कि सर ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है। लेंटी सेल्स आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम्स ऑफ लार्ज प्लांट, हार्ड वुडी स्टेम्स ऑफ द लार्ज प्लांट्स, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम्स एंड हार्ड पार्ट ऑफ द रूट, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूट एंड हार्ड पार्ट ऑफ द स्टेम। किसमें लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटी सेल्स आर द प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, क्या है भाई, क्या है बताओ। प्रीवियस वॉज नॉट रॉन्ग गाइज, ठीक है सर। दिस इज फ्रॉम विच चैप्टर, आपके दो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस और आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उन दोनों में से क्विज हो रहा है, उन दोनों में से क्विज हो रहा है। गाइस मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दे दिया यार, इतना सिंपल क्वेश्चन था। लेंटी सेल्स क्या होता है, लेंटी सेल्स से, लेंटी सेल्स से आपकी स्टेम और रूट्स क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। लेंटी सेल्स आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूट, रूट के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, और आपका स्टेम के अंदर जो भी हार्ड पार्ट रहते हैं वहां पे आपका क्या होता है, लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर बोर्ड आपके सामने आ रहा है, लीडर बोर्ड देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे, किसने किसको क्या किया है, ओवरलीड किया है, ओवरटेक किया है, देखते हैं किसने किया है। अभी भी अब नोना सिंह, नोना सिंह इज ऑन द टॉप, सेकंड पे अभी कुमार माझी, देन प्रथमेश, सैमुअल, महेंद्र, ठीक है, फिर आपका सोनिका, देवांजन, अंशुल, यश एंड उद्भव। वेरी गुड गोइंग गाइस, वेरी गुड गोइंग, ओके। चलो इसी स्पीड से हमको थोड़े और क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गाइस, ड्यूरिंग हाइबरनेशन द फ्रॉग रेस्पायर्स बाय, हाइबरनेशन के दौरान फ्रॉग किसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है, लंग्स के द्वारा, ठीक है, थोड़े टाइम लंग्स के द्वारा, थोड़े टाइम स्किन के द्वारा, बोथ स्किन एंड लंग्स, स्किन ओनली, किसके द्वारा हाइबरनेशन के दौरान फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन इन फ्रॉग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाइबरनेशन इज ऑकर्स थ्रू, किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा, पार्टली बाय लंग्स एंड पार्टली बाय स्किन, बोथ स्किन एंड लंग्स, चौथा ऑप्शन है आपका स्किन ओनली। कैन यू सी मी अर्नव बंसल, बोलो बेटा, हेलो हेलो अर्नव बंसल। सर आपका टेलीग्राम आईडी क्या है, मैं कमेंट में लिख रहा हूँ गाइस टेलीग्राम आईडी। इट्स माई टेलीग्राम आईडी, मैंने कमेंट में लिख दिया है गाइस, ओके।
चलो गाइस, तो हाइबरनेशन जब होता है, हाइबरनेशन के दौरान आपका फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग जो रेस्पिरेशन करता है वो आपका स्किन के थ्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्किन के दौरान आपका स्किन से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग के अंदर। आपने पता होगा फ्रॉग के अंदर तीन तरीके से क्या होता है, तीन तरीके से आपका क्या होता है फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन सा होता है, कौन बताएगा मुझे तीन तरीके कौन कौन से फ्रॉग के अंदर जिससे रेस्पिरेशन होता है। हु विल टेल मी द थ्री वेज ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर किस किस से होता है। हु विल टेल मी गाइस, बोलो ना कमेंट में, आंसर करो यार। हाँ मैं बायो की बुक बता दूंगा, आखिरी में बता दूंगा गाइस, आखिरी में बता दूंगा सेशन के, ठीक है। तो फ्रॉग में आपका क्या होता है, स्किन, लंग्स एंड ट्रेकिया, वेरी गुड, पल्मोनरी, क्यूटिकुलर एंड गिल्स। यस गाइस, तो आपका ट्रेकिया नहीं होता है, गिल्स होता है आपका, लंग्स होते हैं और आपका पल्मोनरीज होता है, या क्यूटिकल बोल सकते हैं उसको। स्किन के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, और आपका गिल्स के द्वारा होता है फ्रॉग में रेस्पिरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया है, थैंक यू। ठीक है, एनटीएससी में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यार ऐसे, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन किस किस में पाया जाता है, क्या सारे इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, सिर्फ आपके वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ठीक है। अर्थवॉर्म एंड रेबिट एंड कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म, इसका आंसर देने के पहले एक बार देख लेना गाइस, थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, क्या सारे इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, क्या सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, क्या अर्थवॉर्म एंड रेबिट में पाया जाता है, या आपका कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म, किस में पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन। गाइस, सारे वर्टिब्रेट्स में आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन सारे वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता है, ना ही सारे इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको बोला था मैंने, थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सारे वर्टिब्रेट्स और सारे इनवर्टिब्रेट्स में आपका हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, जाके चेक करिएगा अपने कॉन्सेप्ट को, सारे वर्टिब्रेट्स और सारे इनवर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। अर्थवॉर्म एंड रेबिट में आपका क्या होता है, अर्थवॉर्म में भी आपका हीमोग्लोबिन होता है, और रेबिट आपका एक मैमल होता है जिसमें भी आपका क्या होता है, जिसमें भी आपका हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी होगा, ठीक है। इट्स नॉट रॉन्ग अनिरुद्ध जाके देखिएगा बेटा, सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यू कैन चेक योर आंसर एंड लेट मी नो, ठीक है। चलो, द लार्जेस्ट कॉर्पसल्स इन मैमेलियन ब्लड, आपका मेमल्स के ब्लड में पाए जाने वाले सबसे बड़े सेल कौन से होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, विच अमंग दीज आर दी लार्जेस्ट कॉर्पसल्स ऑफ दी ब्लड। मेमेलियन ब्लड के सबसे बड़े सेल का नाम क्या है, आरबीसीज है, लिम्फोसाइट्स है, बेसोफिल्स है, या मोनोसाइट्स है, क्या है भाई। अरे गाइस, एनसीईआरटी से थोड़ा कभी कभी आपका क्या होता है, आपका स्टेट बोर्ड फर्स्ट स्टेज वन में आपको क्या करना पड़ता है यार, स्टेज वन में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, आपका बोर्ड भी पढ़ना पड़ता है, स्टेट बोर्ड वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। सर प्लीज गिव योर टेलीग्राम आईडी, मैंने दिया है ना बेटा कमेंट सेक्शन में दिया है यार। ये मैंने कर दिया है भाई, आपको टेलीग्राम आईडी दे दिया है, ठीक है। तो भाई देखो, मोनोसाइट्स जो होते हैं आपके, मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट कॉर्पसल्स इन द मेमेलियन ब्लड, याद रखिएगा। मोनोसाइट्स किसके अंदर होते हैं, डब्ल्यूबीसीज के, आपके क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसीज में, जैसे आपका लिम्फोसाइट्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गए। तो ये पांच तरह के आपके सेल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर, उसमें मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट कॉर्पसल्स इन द मेमेलियन ब्लड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक काम करो, मैं आपको नंबर दे रहा हूं मेरा, ठीक है, वहां पे मुझे मैसेज कर देना आप लोग, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने नंबर कमेंट सेक्शन में दे दिया है, ठीक है। चलो, अंशुल गुप्ता के नाम से आ रहा होगा, ठीक है, ये मेरा निक नेम है, तो आप देख लीजिए वहां पे, अंशुल गुप्ता के नाम से आपको एक नंबर दिख रहा होगा। अगर टेलीग्राम आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं,
सर ये नेशनल लेवल क्विज है नॉट स्टेट। अरे बेटा बट NTSC स्टेज वन में तो आपका स्टेट का आता है कि नहीं आता है, आपको स्टेट का पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ना पड़ता है यार। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं NTSC में, ठीक है। NTSC मैंने जो आपका क्विज ले रहा हूँ इसमें आपका क्या है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछे गए हैं NTSC की एग्जाम में। ओके चलो, तो नोना सिंह अभी भी टॉप पे है, अभी कुमार माजी, देवांशन, सैमुअल, महेंद्र, प्रथमेश, आशीष, देवांशु सर वन ऑफ द फैन, जतिन एंड यश। चलो गाइस वेरी गुड गोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन नाउ। व्हाट इज डाइपिडेसिस, डाइपिडेसिस क्या होता है, डाइपिडेसिस क्या होता है गाइस, ठीक है। ए काइंड ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट, क्या एक तरह की अमीबॉइड मूवमेंट होती है, कमिंग आउट ऑफ WBCs थ्रू द कैपिलरी वॉल टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स है गाइस वो। ए टाइप ऑफ लोकोमोशन फाउंड इन हाइड्रा, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड यूरिया ऑफ किडनी, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट है, 30 बच्चे हैं बस, ठीक है, बच्चे छोड़ के चले गए यार, टफ क्वेश्चन लग रहा था क्या उनको, टफ लग रहा था क्या, कहाँ चले गए भाई। अरे आई विल टेल गाइस, आई विल टेल यू आपको किस से पढ़ना है, मैं बताऊंगा आपको यार, टेंशन मत दो, ठीक है, अभी मत टेंशन लो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा। चलो गाइस, तो डाइपिडेसिस क्या होता है, जब आपकी WBCs कैपिलरी की वॉल से बाहर निकल के आती है, ताकि क्या कर सके, जो भी आपके माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया वायरस जो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं उनसे क्या कर सके, फाइट कर सके, उस चीज के लिए क्या होता है आपका डाइपिडेसिस मूवमेंट, उसको कहा जाता है जब WBCs आपकी कैपिलरी से बाहर निकल के आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। द फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन, फ्लेम सेल्स किस में पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स किसके लिए होते हैं आपको पता होगा, फ्लेम सेल्स किसके लिए होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, इनसे एक्सक्रीशन होता है, जैसे हमारा नेफ्रोन होता है ना, ऐसे आपका क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं, जिनसे क्या होता है आपका एक्सक्रीशन होता है। तो क्या है, फ्लेटवर्म्स में पाए जाते हैं, अमीबा में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, या अर्थवर्म में पाया जाता है। गाइस फास्ट, टाइम से टाइम जा रहा है, जल्दी आंसर करिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, भाई शेयर कर दो यार, एक बार सारे लोग शेयर कर दो। चलो गाइस, तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फ्लेम सेल्स जो होते हैं आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लेटवर्म, फ्लेटवर्म के अंदर आपका फ्लेम सेल्स पाया जाता है, वो इनका काम होता है आपका एक्सक्रीशन करना, जैसे ह्यूमंस में आपके नेफ्रोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अर्थवर्म में आपके नेफ्रिडिया होते हैं, वैसे फ्लेटवर्म्स में आपके होते हैं फ्लेम सेल्स, याद रखिएगा फ्लेम सेल्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर, कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे जो है वो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, लंग्स, लीवर एंड स्किन, ठीक है, किडनी एंड स्प्लीन, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस, कौन से ऑर्गन्स आपके एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी मतलब आपके प्राइमरी को छोड़ दे तो उनके अलावा इनसे भी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, हिंट मैंने दे दिया है कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आपके एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, ए होगा, बी होगा, सी ऑप्शन में दिया आपको बोथ एंड बी, डी दिया है नन ऑफ दिस। आई होप ये आप सभी लोगों ने सही किया होगा गाइस। एसेसरी ऑर्गन्स पूछा है आपसे, लंग्स से आपका क्या निकलता है, CO2 निकलता है, और CO2 का एक्सक्रीशन हो रहा है तो लंग्स भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। लीवर से आपका क्या होता है, लीवर से आपका बनता है यूरिया, यूरिया बनता है ना, और यूरिया आपका क्या करता है, यूरिया आपका निकलता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। स्किन से आपका पसीना निकलता है ना यार, पसीने में आपके होते हैं डिसॉल्व्ड सॉल्ट, ठीक है। और किडनी से भी आपका क्या होता है, किडनी से भी आपका जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं यूरिन तो वहीं बनता है। और स्प्लीन में आपका क्या होता है बेटा, स्प्लीन में आपके जो भी क्या होते हैं डेड, क्या होते हैं डेड RBCs जो होते हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। पांचों आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लंग्स, लीवर, स्किन, किडनी एंड स्प्लीन, ये सारे आपके क्या हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गाइस, वो डिस्कस कर लेंगे यार, घबराओ मत अभी,
अभी घबराओ मत, बिल्कुल पैनिक मत करिए, मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं बताऊंगा यार मैं किस लिए हूं यहाँ पे, टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। द टू किडनीज लाई, आपकी जो दो किडनी होती है वो एक दूसरे के किस पोजिशन में होती है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ ओवरीज, एट द सेम लेवल, लेफ्ट किडनी एट ए हायर लेवल देन दी राइट वन, एंड दी राइट किडनी एट ए हायर लेवल देन दी राइट वन, देन दी लेफ्ट वन, कौन सी किडनी, आपकी किडनी, दोनों किडनीज की पोजिशन क्या होती है, लेफ्ट किडनी एट ए हायर लेवल देन दी राइट वन और राइट किडनी एट ए हायर लेवल देन दी लेफ्ट वन, कौन सी आपकी पोजिशन होती है। चलो गाइस सी ऑप्शन सही है, क्योंकि लेफ्ट किडनी क्या होती है आपकी, थोड़ी सी ऊपर होती है राइट वाली से, क्यों, क्योंकि राइट वाली के ऊपर होता है आपका लीवर, लीवर की होने की वजह से, लीवर को जगह देने की वजह से आपका राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट वाली किडनी के कंपैरिजन में। सो आंसर है आपका सी, आंसर है आपका सी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ए की रोल इन द एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेट्स, आपके फेट्स को अब्सॉर्ब करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में फेट्स का किसका की रोल होता है, लैक्टियल्स का होता है, विलाय का होता है, सिक्रेटिन का होता है, या सेगमेंटेशन मूवमेंट का होता है, किसका आपका मेजर रोल होता है अब्सॉर्प्शन करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में फेट्स का, किडनीज मेन नॉट एसेसरी ऑर्गन। चलो मैं देख लूंगा वो क्वेश्चन, देख लूंगा यार मैं देख लूंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को छोड़ दो, एक क्वेश्चन को छोड़ दो एनजे प्रसाद, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, हो सकता है मुझे भी कंफ्यूजन हो सकता है, वी आई विल सी दैट क्वेश्चन, ओके डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल सी दैट क्वेश्चन। ओके चलो आंसर है आपका विलाय, विलाय कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, विलाय का काम क्या होता है भाई, कौन बताएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय, विलाय का काम क्या होता है, क्या होते हैं विलाय, हु विल टेल मी, हु विल टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, कौन बताएगा यार, कोई तो बताओ, एनटीएससी पढ़ रहे हो गाइस, द आंसर इज रॉन्ग, आंसर रॉन्ग नहीं है बेटा, आंसर रॉन्ग नहीं है, विलाई इज द आंसर। ओके वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है आपका कौन करता है, आपका विलाय करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आर यू एंजॉयिंग इट, बोलो ना यार एंजॉय कर रहे हो क्या सारे लोग, 32 के 32 शेयर कर दो एक बार गाइस प्लीज, ठीक है, मैं नया हूं, मेरे लिए कर दो यार शेयर, मेरे लिए शेयर कर दो एक बार अपने दोस्तों के साथ सबके साथ। फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इन द मेमेलियन किडनी, ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या होता है मेमेलियन किडनी में, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, यूरिन फॉर्मेशन थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन, यूरिन कलेक्शन, ऑल ऑफ द अबो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इन दी मेमेलियन किडनी। ओके गाइस, तो ग्लोमेरुलस आपको पता होगा बोमांस कैप्सूल होता है, उसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस होता है, उसका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, क्या करना, ब्लड को फिल्टर करना, जो भी ब्लड आपका आ रहा है वहां पे उसका फिल्ट्रेशन करना, और क्या करना, उसका फिल्ट्रेशन करके ब्लड का फॉर्मेशन करना, सॉरी यूरिन का फॉर्मेशन करना, तो ये फंक्शन होता है आपका ग्लोमेरुलस का। ओके चलो ओके, नोना सिंह इज ऑन द टॉप, अभी कुमार माझी, महेंद्र देवंजन, गौरजी, गौरू जी, गौरुई, ओके सैमुअल, किसी किसी का कंफ्यूजन हो जाता है यार, नाम बिल्कुल टफ होता है, ठीक है, सैमुअल, यश, आशीष, वेदांत एंड जतिन एंड देवांशु सर वन ऑफ द फैन। ओके चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द वेसल लीडिंग ब्लड इन टू द बोमांस कैप्सूल, बोमांस कैप्सूल तक आपका जो क्या लेके जाती है, कौन सी वेसल ब्लड लेके जाती है, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, रीनल आर्ट्री या रीनल वेन,
विच इज द ब्लड वेसल विच लीड्स द ब्लड इन टू द बोमास कैप्सूल। बोमास कैप्सूल के अंदर ब्लड कौन लेके जाता है? टाइम जा रहा है गाइस, फटाफट आंसर करिए। गाइस एक मिनट, क्या हो गया इसका ऑप्शन? एक मिनट गाइस, एक मिनट जस्ट ए मिनट। चलो सी देखते हैं भाई, इसका आंसर होगा आपका ए, एफरेंट एट्रियोल इज द आंसर। ये क्या हो गया यार, इसका आंसर में टिक करना भूल गया क्या? इसका आंसर शायद मैं टिक करना भूल गया, ठीक है, शायद आंसर मेंशन करना भूल गया यार, गलती हो गया, पहली बार मैं ले रहा हूं, ठीक है। चलो, अरे इसका आंसर आपका एफरेंट ए होगा, ए इज द राइट आंसर। एफरेंट आर्टेरियोल आपका लेके जाता है कहां पे? बोमास कैप्सूल में ब्लड लेके जाता है। गाइस आंसर कलेक्ट, आंसर एक्चुअली गलत नहीं है, शायद मैं आपका आंसर वहां पे क्लिक करना भूल गया, करेक्ट आंसर को मेंशन करना भूल गया, इसलिए आपका ऐसा हुआ है, ठीक है इसलिए हो गया है, गलती से शायद आंसर लिखना मैं भूल गया होगा वहां पे मेंशन करना, कोई बात नहीं। इसका आंसर सुन लीजिए गाइस, इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए। कोड क्या है? कोड है आपका 333118, 333118 इज द कोड। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलती से छूट गया यार, गलती से छूट गया होगा, नहीं तो ऐसा हुआ नहीं अभी तक। द एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रीटेड बाय, पेप्सिन एंजाइम को कौन सिक्रीट करता है? इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, इनर लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम, गैस्ट्रिक लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड गॉल ब्लैडर। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा। एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रीटेड बाय, फास्ट आंसर करिए, बिल्कुल टाइम गया। गाइस वेरी गुड, 24 बच्चों ने आंसर किया है, गैस्ट्रिक लाइनिंग ऑफ स्टोमक। पेप्सिन आपका पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर आपका क्या होगा, यही देख लेते हैं, स्टमक ही, गैस्ट्रिक लाइनिंग तक जाना ही नहीं था यार आपको, यही देख लेते हैं, स्टमक जहां पे था उसको टिक कर देते, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका स्टमक था तो उसको ही टिक कर देते, आग बंद करके तो आपका आंसर हो जाता यार। पेप्सिन आपका किसका होता है? पेप्सिन इज प्रेजेंट इन दी गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती है, HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। ये सिक्रीट होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं कहां पे? प्रेजेंट होते हैं बेटा बताओ, वेयर आर दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, टेल मी, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, वेयर डज एसिमिलेशन ऑकर्स, एसिमिलेशन का प्रोसेस कहां पे होता है? इन द लीवर, इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन ब्लड। वेयर डज एसिमिलेशन ऑकर्स, एसिमिलेशन का मतलब ही पता है क्या आप लोगों को? व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? गाइस एक बार फीडबैक दे दो यार, आर यू enjoying द सेशन, मजा आ रहा है क्या क्विज में, मेंटी क्विज में मजा आ रहा है आपको? क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन क्या है अपना, तो आंसर है आपका, बॉडी के हर सेल में क्या होता है यार, बॉडी के हर सेल में आपका एसिमिलेशन होता है, फूड जिसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया है वो आपका ब्लड उसको लेके जाता है कहां तक? बॉडी के हर सेल तक, बॉडी के हर सेल तक कौन लेके जाता है? ब्लड।
अब बॉडी के हर सेल को फंक्शन करना है, उसके लिए उसको फूड की जरूरत होती है, उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई? एनर्जी मिलेगी जब रेस्पायरेशन होगा। तो रेस्पायरेशन कब होगा? जब फूड होगा, जब ग्लूकोज होगा। क्योंकि अल्टीमेटली रेस्पायरेशन में क्या करते हैं, हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और उसी से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो बॉडी के हर सेल में क्या होता है, आपका एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। ये ध्यान रखिएगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। कोड कोड चाहिए, कोड ले लो भाई, 333118। दिस इज द कोड, 333118 इज द कोड। अभी कुमार माजी, महेंद्र, नोना सिंह, सैमुअल, देवांजन, आशीष, जतिन, यश, वेदांत एंड मुकेश। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, डू यू नो कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइंड केमिकली एस। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है केमिकली? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, कंपाउंड विच यील्ड आर डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? जो आपका ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, आपका सुक्रोज होता है, स्टार्च होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने हुए होते हैं केमिकली? गाइस, एल्डी के कार्बोहाइड्रेट्स आर दी, ठीक है, क्या होते हैं ये? आपके एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव होते हैं किसके? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के। अल्कोहल का क्या करोगे आप? अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कर दोगे ना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपको मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन। और यही एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अल्कोहल का जब आप क्या करोगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपको मिलते हैं क्या? आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और आपको क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपको? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स से आपके एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और आपके कीटोन भी हो सकते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी अल्कोहल जो होता है आपका, अगर उसका ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शियरी का करते हो तो क्या मिलता है आपको? कीटोन मिलता है। आपको ध्यान होगा ये चीज जरूर, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, अरे गाइस टेंस मत होइए यार, जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एनटीएससी में, इतना क्या घबरा रहे हो? पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है गाइस, बिल्कुल भी नहीं होना है। इन किडनी ग्लूकोज इज मेनली अब्सॉर्ब इन द, ग्लूकोज आपका कहाँ पे अब्सॉर्ब होता है? किडनी के अंदर, बोमास कैप्सूल में, डीसीटी में, पीसीटी में या लूप ऑफ एनले, कहां पे आपका ग्लूकोज मेनली अब्सॉर्ब होता है? अरे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा बेटा, एसिमिलेशन पूछा है आपसे, एब्जॉर्प्शन थोड़ी पूछा है यार। अनूप कुमार पांडे, आपसे एसिमिलेशन पूछा था उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में आपसे एसिमिलेशन पूछा था बेटा, उस क्वेश्चन में आपसे एसिमिलेशन पूछा था। ठीक है, आपसे एसिमिलेशन पूछा था, आपसे एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा था। और एसिमिलेशन, फूड का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फूड का यूटिलाइजेशन होता है आपका सेल के अंदर, जहां पे फूड को क्या करते हैं, फूड को एनर्जी के पर्पस के लिए ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है सर, एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। अरे यार ऐसे क्या, होप मत छोड़ो गाइस, होप नहीं छोड़ना है गाइस, होप नहीं छोड़ना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कैसे करना है क्वेश्चन को। आधे क्वेश्चन तो आपने जो पढ़ रखे हैं वही है यार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आधे से ज्यादा, तो बीच बीच में कोई 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ है। ठीक है, चलो देखो, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है आपका सबसे ज्यादा? आपका पीसीटी के अंदर होता है। क्या होता है? पीसीटी, बोमास कैप्सूल, बोमास कैप्सूल से नीचे हो गया आपका आएगा पीसीटी, पीसीटी के नीचे आएगा डिसेंडिम्बलिंग, फिर आएगा आपका लूप ऑफ एनले, लूप ऑफ एनले का फिर जाएगा आपका सेंडिम्बलिंग, फिर जाएगा डीसीटी, फिर आएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जहां पे होता है वो है आपका पीसीटी। चलो What will happen to the body of an adult human being if spleen is removed? अगर आपका स्प्लीन निकाल लिया जाए एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी से तो क्या होगा गाइस? आरबीसी प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस, एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल लेस,
डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन लोवर्ड एंड फिल्ट्रेशन ऑफ डेड आरबीसी विल नॉट बी पॉसिबल। क्या इफेक्ट होगा अगर आपका स्प्लीन निकाल लिया जाता है एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर से? जल्दी पढ़िए गाइस, वेरी फास्ट, गिव मी आंसर, आंसर करिए फटाफट, फटाफट आंसर करिए यार, गाइस शेयर कर दो यार। ठीक है, स्प्लीन अगर आपका क्या हो जाएगा, स्प्लीन को अगर रिमूव कर लिया जाता है आपकी बॉडी से तो क्या होगा, आपका आरबीसी का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। आपको पता है स्प्लीन को क्या कहा जाता है? स्प्लीन को आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 120 दिन का लाइफ स्पान पूरा होने के बाद आपका आरबीसी क्या करते हैं, आपका आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। तो आपके जो भी डेड आरबीसी होंगे उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अगर स्प्लीन क्या हो जाए आपका, स्प्लीन आपकी बॉडी से निकाल लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ डेड आरबीसी विल नॉट बी पॉसिबल इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलो उसके पहले लीडर बोर्ड देख लो यार। अभिक कुमार माझी, महेंद्र, नोना सिंह, सैमुअल, देवांजन, जतिन, ठीक है, यश, देवांशु सर वन ऑफ द फैन, आशीष एंड मुकेश। चलो आगे देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन कहां पे करता है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन ड्यूडेनिक इन एसिडिक मीडियम, ड्यूडेनम इन अल्कलाइन मीडियम, स्टोमक इन एसिडिक मीडियम एंड स्टोमक इन द अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, आपका ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन कब करता है और कौन से मीडियम में करता है? ठीक है, ड्यूडेनम में करता है एसिडिक मीडियम के अंदर, ड्यूडेनम में करता है अल्कलाइन मीडियम के अंदर, स्टमक में करता है एसिडिक मीडियम के अंदर और स्टमक में करता है अल्कलाइन मीडियम के अंदर। किस में आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा। गाइज देखो, आप सोच रहे हो अगर कि आपका एनसीईआरटी को क्या कर दिया जाएगा, ऐसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको एनटीएससी में, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। एनटीएससी आपकी फिल्टर करके देती है, फिल्टर करके देती है। अगर आपका ड्यूटनम भी है तो ड्यूटनम में अगर डाइजेशन हो रहा है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि डाइजेशन किस तरीके से होता है ड्यूटनम के अंदर। ठीक है, चलो सो गाइस, आपको पता है ट्रिप्सिन कहां सिक्रेट होता है? ट्रिप्सिन आपका पेनक्रियाटिक किसके अंदर होता है? पेनक्रियास के अंदर सिक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट होता है ट्रिप्सिन। तीन चीजें होती है पेनक्रियाटिक जूस में, पहला होता है आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, तीसरा होता है आपका लाइपेज। अब देखो ट्रिप्सिन आपका क्या होता है, पेनक्रियास अपनी सिक्रीशन डालता है ड्यूडेनम के अंदर और ड्यूडेनम के अंदर आपका होता है अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो उसके ही अंदर आपका ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेल प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक एंजाइम? गैस्ट्रिक एंजाइम को कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? अल्फा सेल्स, चीफ सेल्स, बीटा सेल्स और ऑक्सिंथिक सेल्स। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एंजाइम्स को कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? अल्फा सेल्स, चीफ सेल्स, बीटा सेल्स और ऑक्सिंथिक सेल्स। कौन से लोग, कौन से सेल्स आपके, ठीक है, गैस्ट्रिक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं गाइस? सो गाइस, चीफ सेल्स, चीफ सेल्स आपके स्टमक के अंदर जो चीफ सेल्स होते हैं वो आपके गैस्ट्रिक एंजाइम को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक एंजाइम कौन सा होता है आपका? पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक ही एंजाइम होता है आपका जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन को कौन सिक्रीट करता है? पेप्सिन को सिक्रीट करता है आपका चीफ सेल्स जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। गाइस समझ में आ गया क्या? बोलो यार, बोलो। आप आपस में ही बातें कर रहे हो, कोई कुछ भी नहीं बता रहा है। चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाए, बोलो बोलो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट अवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बाइल? कौन सा स्टेटमेंट आपका बाइल के बारे में गलत है? इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, इट इज सिक्रेटेड बाय लीवर थ्रू बाइल डक्ट, इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इमल्सिफाई द फैट्स,
और नन ऑफ द अबव। कौन सा स्टेटमेंट गलत है बाइल के बारे में? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है या चौथा गलत है? अरे प्रिपरेशन कहाँ से करना है? प्रिपरेशन एनटीएसी पढ़ो गाइस, ठीक है? और आपको अनअकैडमी का जो चैनल है फाउंडेशन एंड एनटीएसी, वहां से पढ़ो ना यार, आयुषी मैम पढ़ाती है इतना अच्छा, पढ़ो ना उनसे, पढ़ो उनसे, ठीक है गाइस। तो आंसर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बाइल। तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है गाइस। आपका जो बाइल सिक्रीट होता है लीवर के अंदर, वो लीवर से आपका टेम्पररी स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। बाइल में एक भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन बाइल क्या करता है आपका, बाइल जूस जो होता है आपका, वो फैट्स को इमल्सीफाई करता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हियर। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं, उसके पहले विल सी द लीडर बोर्ड। चलो अभीक सैमुअल, नोना, महेंद्र, देवांजन, जतिन, देवांशु सर वन ऑफ द फैन, यश, अश्मित, कपसीमय एंड या हर्ष। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12। विच वन ऑफ द विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? A, B, C, D। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन B12, कौन सा चाहिए होता है? कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? अरे यार कौन सा क्वेश्चन है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। 52 क्वेश्चन है गाइस टोटल। गाइस विटामिन सी होता है यार, विटामिन सी होता है। मुझे तो लग रहा है इस क्वेश्चन का किसी को आइडिया ही नहीं था, इस क्वेश्चन का किसी को आइडिया नहीं था क्या? क्या है कमेंट में बताओ जल्दी से यूट्यूब के, कि सर इस क्वेश्चन का हमको आइडिया नहीं था क्या होगा। एक मिनट गाइस, मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन के ऊपर, देख लेता हूं मैं। गाइस ये गलती से पोल गलत हो गया यार, पोल गलत हो गया है, ठीक है? मिस क्लिक हो गया होगा, मिस क्लिक हो गया होगा क्वेश्चन बनाते टाइम पे, क्वेश्चन बनाते टाइम पे मिस क्लिक हो गया है गाइस, ठीक है? इसका आंसर होगा B12। क्या होगा? विटामिन B12 इसका आंसर होगा गाइस, घबराइए मत, विटामिन B12 आंसर होगा, ठीक है? गलती से सी के ऊपर क्लिक लग गया था यार, गलती से सी के ऊपर क्लिक लग गया था, ठीक है? आंसर होगा आपका B12, विटामिन B12 इज द आंसर। चलो किसी का गलत हो गया है तो उसके लिए अपोलोजीज भाई, कोई बात नहीं, रैंक ऊपर नीचे जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको अपनी एक्यूरेसी चेक करना है यार, किसी से ये मत सोचो कि उसकी रैंक ज्यादा आ रही है वो मेरे से आगे। आप चेक करिए कितने ऑप्शंस आपने किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने आपको नंबर आए, कितने आपके सही गए, ये एक्यूरेसी चेक करना है गाइस। एक्यूरेसी से ही आपका क्या होगा, ठीक है? चलो ये गलती से रॉन्ग पोल हो गया था, इट इज अ रॉन्ग पोल एक्चुअली, ठीक है? ये आपका रॉन्ग पोल हो गया था, आपका आंसर आएगा विटामिन B12, विटामिन B12 होता है। क्वेश्चन बनाते टाइम पे गलती से पोल ऊपर नीचे हो गया होगा गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, ठीक है? अरे ऐसे नहीं होता है सही यार, सही ऐसे नहीं होता है जा, ठीक है वापस करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में, अगला क्विज जब करेंगे मैं ट्राई करूंगा कुछ भी आपका ऐसा मिस्टेक ना हो, ठीक है? ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है गाइस, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। चलो इंसुलिन इज अ हॉर्मोन एंजाइम बोथ एंड बी नन, इंसुलिन क्या है? एक हॉर्मोन है, एक एंजाइम है, दोनों है या नन, क्या होता है?
अरे हो जाएगा, पर उसके लिए जाना पड़ेगा यार। अभी क्वेश्चन को बीच में छोड़ के कैसे चले जाए, क्वेश्चन को बीच में छोड़ के कैसे चले जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लो यार गाइस कि ठीक है गलती हो गई सर से, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन क्या होता है? आपका हार्मोन होता है। ठीक है, कौन सिक्रीट करता है इंसुलिन को बताओ जल्दी से। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय कौन सिक्रीट करता है, कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है इंसुलिन को बताओ फटाफट से। बोलो यार जल्दी से, कौन बोलेगा? पेनक्रियास। यस, पेनक्रियास के अंदर आपका सिक्रीशन होता है इंसुलिन का, और एक और होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों का सिक्रीशन पेनक्रियास के अंदर होता है। और पेनक्रियास आपका क्या है? कंपाउंड ग्लैंड है। क्या है बेटा? कंपाउंड ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। यहाँ पे आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी सिक्रीशन होता है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट होता है, और आपका दोनों हॉर्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन। मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का मास्टर ग्लैंड कौन होता है? बहुत लड्डू सवाल है भाई, जलेबी है, बिल्कुल से खा लो यार। पीनियर ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, या एड्रिनल ग्लैंड होता है? गाइस इसमें तो मुझे 100% चाहिए यार, इसमें तो 100%। तो इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है यार। चलो, तीन बच्चों के जवाब गलत है, बाकी मैक्सिमम लोगों के जवाब जवाब सही है। मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज इट कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ देयर सिक्रीशन। उनकी सिक्रीशन का रेगुलेशन कौन करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब यार ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ग्रुप को यहां पे बोल दिया एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। चलो चलो गाइस, लीडर बोर्ड पे अभी सैमुअल, नोना, महेंद्र, जतिन, देवांजन, देवांशु सर वन ऑफ द फैन, अश्मित, यश एंड हर्ष। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड इसलिए होता है यार, वो सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसलिए। ठीक है, कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। दैट्स व्हाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अनपेयर्ड। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड जो है वो आपका पेयर में नहीं पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी। ये भी बहुत लड्डू सवाल है, बहुत लड्डू सवाल है भाई। ठीक है, इतना इजी सवाल है कि बिल्कुल झट्टे से आंसर कर दो यार, फट्टे से। Which gland is unpaired? कौन सा ग्लैंड आपका अनपेयर्ड होता है? चलो गाइस, आंसर है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे एड्रिनल ग्लैंड दोनों साइड प्रेजेंट होता है यार, दोनों किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर होता है। एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओरी तीनों पेयर में पाए जाते हैं गाइस, तीनों पेयर में पाए जाते हैं। इतना तो पता होगा ना आप लोगों को, फिर भी मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एक ही होता है जो आपका अनपेयर्ड होता है, ठीक है, जो आपका पेयर में नहीं पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, बाकी तीनों आपके पेयर में पाए जाते हैं, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज द बर्थ हॉर्मोन। कौन से हॉर्मोन को बर्थ हॉर्मोन कहा जाता है? प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, FSH और ADH, किसको आपका बर्थ हार्मोन कहा जाता है गाइस? प्रोलेक्टिन को कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, FSH को कहा जाता है, या ADH, किसको आपका बर्थ हार्मोन कहा जाता है? चलो गाइस शेयर कर दो यार एक बार, सारे लोग शेयर कर दो गाइस, फटाफट से शेयर कर दो यार। ठीक है, सारे प्यारे बच्चों शेयर कर दो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज द बर्थ हॉर्मोन। बर्थ हॉर्मोन कहा जाता है आपका ऑक्सीटोसिन को, किसको कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। इट इज रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ
ठीक है, जब डिलीवरी होती है फीमेल के अंदर, ठीक है, जब बेबी का क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है, उस टाइम पे आपका यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए आपका क्या होता है, ठीक है, ये बर्थ, ये आपका हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स, सीड्स और बर्ड्स के अंदर कौन सा प्लांट आपका डोरमेंसी को प्रमोट करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, कौन सा हार्मोन आपका प्लांट्स, आपके सीड्स और बर्ड्स के अंदर डोरमेंसी को प्रमोट करता है? गाइज आंसर इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज द हार्मोन विच प्रमोट डोरमेंसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स और बर्ड्स के अंदर डोरमेंसी को कौन प्रमोट करता है? जिब्रेलिन करता है, एब्सिसिक एसिड नहीं होता है गाइज, एब्सिसिक एसिड नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दिया है, ठीक है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन इज द हार्मोन विच प्रमोट्स डोरमेंसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स। याद रखिएगा गाइज, पोल रॉन्ग नहीं है बेटा, जाके देखो एक बार जाके देखो आप, ठीक है, डी नहीं होगा, नहीं होगा, स्पेम करने से कुछ भी नहीं होगा यार, स्पेम करने से कुछ भी नहीं होगा, जिब्रेलिन होता है, कौन होता है, जिब्रेलिन होता है, ठीक है। चलो द हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड रेगुलेट्स द लेवल ऑफ डैश इन ब्लड। आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हॉर्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, वो कौन सी किन चीजों को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को, शुगर एंड फैट को, कैल्शियम एंड फॉस्फेट को या प्रोटीन्स को, किसका रेगुलेशन मेंटेन करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट करने वाला हार्मोन? ठीक है, हाय प्रीति दास, हाय, द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है पैराथायरॉइड, कौन बताएगा, कौन बताएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? यस गाइस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज द राइट आंसर। कैल्शियम और फॉस्फेट क्या होता है आपका, इनके लेवल को रेगुलेट करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा, जो आपका क्या होता है पैराथायरोक्सिन, ठीक है, पैराथायरोक्सिन। ओके चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। वेर इट वेंट, कहां गया यार क्वेश्चन। चलो, डैश इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कौन सा हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, कौन सा हार्मोन को एडीएच कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसको कहा जाता है? वेसोप्रेसिन को, ऑक्सीटोसिन को, एफएसएच को, टीएसएच को, किसको कहा जाता है भाई? चलो टाइम सब हो गया, देखते हैं। वेसोप्रेसिन, यस गाइस, वेसोप्रेसिन इज नोन एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, कहां सिक्रीट होता है वेसोप्रेसिन, कौन बताएगा, कौन बताएगा वेसोप्रेसिन कहां सिक्रीट होता है, टेल मी गाइस, वेयर वेसोप्रेसिन इज सिक्रीटेड। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन आपका वहां पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
गाइस ठीक है, ये एक बच्चा है ठीक है, इसको क्या कर दो, इसको इग्नोर करो और रिपोर्ट कर दो, सारे लोग रिपोर्ट कर दो ठीक है, सारे लोग रिपोर्ट कर दो। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड, ट्रेकिया आपकी आगे जाके जो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है उनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकिया कहा जाता है ठीक है, ट्रेकिया कहा जाता है ठीक है, माइक्रो ट्रेकिया कहा जाता है या यूस्टेशियन ट्यूब्स कहा जाता है। तनिष कुमार शाह को ब्लॉक कर दीजिए गाइस, रिपोर्ट कर दीजिए इसको ठीक है। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स जिनको कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ब्रोंकाई क्या होती है आपकी, ट्रेकिया जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ठीक है। आपका क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका राइट ठीक है, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंड होता है आपका कौन सा, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर होता है आपका टर्शरी ब्रोंकस, तो ये क्या होते हैं आपके ब्रोंकाई होते हैं ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले देखते हैं कौन है आपका लीडर बोर्ड में, अभी सैमुअल इज ऑन द टॉप, सेकंड पे अभी, थर्ड पे महेंद्र, फोर्थ नोना, फिफ्थ पे आश्मित, सिक्स पे जतिन, हर्ष, देवांशु सर वन ऑफ द फैन, स्वास्तिक एंड साक्षी पांडे नीट। चलो वेरी गुड गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लेरिंग्स, लेरिंग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है। इट प्रिवेंट्स फॉरेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एंटरिंग द ट्रेकिया ठीक है। इट हाउसेज द वोकल कॉर्ड्स, इट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट द फेरिंग्स टू द ट्रेकिया, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्या है आपका, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका ठीक है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या सारे ही सही है। गुड इवनिंग सोनिका, गुड इवनिंग। चलो गाइस वेरी गुड ठीक है, सारे स्टेटमेंट जो लेरिंग्स के बारे में कहे गए हैं वो सारे सही है ठीक है। आपका फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को या आपके फॉरेन पार्टिकल्स जैसे माइक्रोब्स हो गए, इनको आपका ट्रेकिया के अंदर जाने से रोकता है ठीक है। वोकल कॉर्ड्स भी क्या होती है आपका, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है ठीक है, और फेरिंग्स को ट्रेकिया से कनेक्ट करता है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। चलो स्पाइरेकल्स इन कॉकरोच आर एनालोगस टू डैश इन ह्यूमंस, कॉकरोच के अंदर जो आपका स्पाइरेकल्स पाया जाता है रेस्पायरेशन के लिए, वो ह्यूमंस के किस ऑर्गन से एनालोगस है, ट्रेकिया से है, नोस्ट्रिल से है, लंग्स से है या फेरिंग से। स्पाइरेकल्स इन कॉकरोच आर एनालोगस टू डैश इन ह्यूमंस। ओके गाइस, तो आंसर है आपका नोस्ट्रिल। देखो स्पाइरेकल्स वो जगह होती है आपका कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच के अंदर स्पाइरेकल्स वो होते हैं जहां से उनके अंदर क्या होती है, एयर एंटर करती है, और हमारी बॉडी में हमारे अंदर एयर कहाँ से एंटर करती है, नोस्ट्रिल के थ्रू। तो दोनों का क्या हो गया, फंक्शन सेम है लेकिन आपका क्या है, उनका दोनों का क्या है, दोनों का शेप अलग है, अगर हम बात करें दोनों का एंसेस्टर अलग है लेकिन क्या है, दोनों का फंक्शन सेम है, और जब फंक्शन सेम होते हैं तो उन ऑर्गन्स को कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन। ओके तो आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, नोस्ट्रिल आर दी एनालोगस टू स्पाइरेकल्स इन दी कॉकरोच। चलो इसके ऊपर मैं बता दूंगा यार, सिद्धार्थ सौरभ बता दूंगा, डिसीज कॉल्ड प्लूरिसी, प्लूरिसी डिसीज किसकी वजह से होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्यूरिया, सॉरी इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया, इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई, नन ऑफ द अबो। एक डिसीज प्लूरिसी किसकी वजह से होता है, डिसीज कॉल्ड प्लूरिसी इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया, इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई, नन ऑफ द अबो। टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप हो गया है ठीक है, चलो देखते हैं ठीक है। वेरी गुड गाइस, प्लूरा क्या होती है, प्लूरा इज द मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स ठीक है, मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, लंग्स की मेम्ब्रेन होती है आपकी प्लूरा,
वो इसमें क्या हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है, उस डिजीज को कहा जाता है आपका प्लूरिसी। क्या कहा जाता है? प्लूरिसी कहा जाता है, ठीक है। चलो ओनली फ्यू क्वेश्चन, 10-15 मिनट का हो रहा है यार, 15 मिनट और, 15 मिनट और, ठीक है, 15 मिनट और बस फिर हो जाएगा क्विज ओवर, ठीक है, क्विज ओवर हो जाएगा 15 मिनट और। चलो चलो गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं बताओ? लैक्टिक एसिड मिलता है और एनर्जी मिलती है, ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। तीसरा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। चौथा, पाइरूवेट मिलता है। क्या मिलता है यीस्ट के अंदर जब आपका रेस्पिरेशन होता है? भाई आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, शेयर कर दो एक बार, सारे लोग वीडियो को शेयर कर दो अपने ग्रुप में यार, सारे लोग। ओके गाइस, सो मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। क्या बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका यीस्ट के अंदर जब होता है तो आपका बनता है इथेनॉल, ठीक है, साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका बनता है क्या, एनर्जी बनती है। इथेनॉल बनता है आपका, दो मोलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, दो मोलिक्यूल्स ऑफ क्या बनता है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनता है आपका दो मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। याद रखिएगा गाइस, यीस्ट के अंदर, यीस्ट क्या होती है आपकी, फंगस होती है, इसके अंदर जब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मैक्सिमम एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है या नाइट्रोजन? किसके साथ हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी होती है? हाँ, 7:30 पे नहीं है आज, आज नहीं है, 9:30 बजे, ठीक है, अनएकेडमी के ऊपर 9:30 बजे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के एमसीक्यू करेंगे 9:30 बजे अनएकेडमी की स्पेशल क्लास में, ओके। चलो भाई, तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है आपकी, हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपकी, अगर कंपेयर करें ऑक्सीजन से तो 1000 times ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हियर रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंबशन, इन फैक्ट दैट, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है आपकी वो कंबशन से किस तरह डिफरेंट है, ठीक है। ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इन इज रिलीज एट वंस ड्यू टू कंबशन, ऑल एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज इज ग्रेजुअली रिलीज ड्यू टू कंबशन, कंपेरेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन, द कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज द कंबशन सब्सटेंस, ठीक है। संदीप क्या हो गया, क्या हो गया संदीप, मुझे एक काम करना ना यार, मैंने बोला तो है आपको, जो डाउट है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना यार, यहाँ पे कैसे समझाऊं आपको, ना तो मैं पेन यूज कर सकता हूँ, कुछ भी यूज नहीं कर सकता हूँ, कैसे समझाऊं? जो भी डाउट्स है आपके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए गाइस, ठीक है, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आंसर होगा आपका क्या, आंसर होगा आपका, ठीक है, क्या होगा आंसर, ये फिर से मिसक्लिक हो गया यार, पोल में फिर से मिसक्लिक हो गया, क्या पता मुझसे मेंटी क्विज बन नहीं पाया या क्या हो गया, ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, आंसर होता है आपका क्या, आंसर यहाँ पे होगा आपका सी, क्या होगा, सी होगा आंसर, क्योंकि क्या होता है कंबशन में आपकी लार्ज क्वांटिटी क्या होती है, रिलीज होती है, एक ही बार में सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है आखिरी के स्टेप में। सो गाइस सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा क्या हो गया, ठीक है, मेंटी क्विज मैंने पहली बार बनाया है तो मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट गलती से हो गया होगा यार, मिसक्लिक, ठीक है, ऑप्शन बनाते टाइम पे गलती से मिसक्लिक हो गया होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, अगले क्विज से ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल ध्यान में रखूंगा,
ठीक है, आपकी रैंक ऊपर नीचे हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। आप लॉक टेंस हो रहे होंगे कि सर इतने क्वेश्चन हमने सही किए, एक क्वेश्चन गलती हो जाएगा उसकी वजह से हमारी रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी। पर मैंने आपको टेस्ट के टाइम पे बोला ही था यार गाइस कि आपको रैंक से नहीं घबराना है। क्या यहाँ पे जितने लोग दे रहे हैं, ठीक है, मेरी बात सुनिए, क्या आपके सामने जो 25, 27, 30 लोग आपका क्या कर रहे हैं, आपका क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या आपका कॉम्पिटिशन इतने लोगों से है क्या? नहीं, आपका कॉम्पिटिशन है ऑल इंडिया लेवल पे। तो कॉम्पिटिशन आपका खुद से है यार, आपको खुद से क्या करना है, खुद से कल से बेटर करना है। कल अगर आपके 15 में से 10 क्वेश्चन सही हुए थे तो आज आपके 15 में से कम 11 सही होने चाहिए, फिर 12 होने चाहिए। इस तरीके से आपको एक्यूरेसी को बढ़ाना है। और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपके आपके जो आंसर्स क्या है, आपके आंसर्स एक्यूरेट है, तो फिर यार रैंक से घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आपको रैंक से घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या मेरी बात? मेरी बात समझ में आई आपको? बोलो। अरे रैंक से क्यों घबरा रहे हो यार, मैं आपको कह रहा हूँ इतनी देर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका कंपटीशन यहाँ पे सिर्फ 25 लोगों से है क्या? ठीक है, क्या 25 लोगों से आपका कंपटीशन है क्या? बोलो मुझे। नहीं है ना 25 लोगों से? ऑल इंडिया लेवल पे आपका कंपटीशन है, तो आप अपने आप को क्या करो, अपने आप को मोर एक्यूरेट करो यार। रैंक से क्या होगा, रैंक तो आप क्या कर लोगे, फर्स्ट स्कोर कर लोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। चेक करिए कि आपने कितने सही किए, आपने कितने सही किए। ठीक है, रेस्पिरेशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, या वैक्यूल के थ्रू? किसके थ्रू अमीबा के अंदर आपका क्या होता है, अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन होता है? गिल्स, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, सेल मेम्ब्रेन, या वैक्यूल? गाइस आंसर है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द चैनल थ्रू विच O2 एंटर्स इनसाइड द अमीबास बॉडी एंड CO2 एग्जिस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी। आपकी CO2 किसके थ्रू अंदर होती है, बाहर जाती है? आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें आपका मेम्ब्रेन के थ्रू O2 अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। स्यूडोपोडिया नहीं होगा यार, स्यूडोपोडिया आपका न्यूट्रिशन के लिए होता है, आपका रेस्पायरेशन के लिए नहीं होता है, न्यूट्रिशन के लिए होता है स्यूडोपोडिया। आपने कॉमन मिस्टेक कर दिया जो मुझे एक्सपेक्टेड था। ठीक है, इसीलिए मैंने ऑप्शन डाला था स्यूडोपोडिया, क्योंकि आप लोग गलती करेंगे, आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है यार। सबसे मेन दिक्कत तो यह है कि आप लोग क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। रेस्पायरेशन पूछा है, न्यूट्रिशन नहीं पूछा है, न्यूट्रिशन नहीं पूछा है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सी, चंद्र वैष्णव, आंसर आपका सी होगा बेटा, बी नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट यूज गिल्स फॉर रेस्पायरेशन? कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपका गिल्स का यूज नहीं करते हैं रेस्पायरेशन के लिए? प्रॉन, क्रेब, कॉकरोच और यूग्लिना। विच अमंग दिस डज नॉट यूज द गिल्स फॉर द रेस्पायरेशन? गिल्स को कौन यूज नहीं करता है रेस्पायरेशन के लिए, गिल्स को यूज कौन नहीं करता है? ठीक है, प्रॉन, क्रेब, कॉकरोच और यूग्लिना। अब इसके आंसर दो हो सकते हैं, इसके आंसर दो हो सकते हैं। ठीक है, कॉकरोच और यूग्लिना। ठीक है, लेकिन आपका, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गया है। ठीक है, ऑप्शन में गलती हो गया है, कॉकरोच और यूग्लिना दोनों आपके आंसर हो सकते थे, क्योंकि कॉकरोच क्या करता है आपका, कॉकरोच ट्रेकिया को यूज करता है। ठीक है, और आपका यूग्लिना क्या करता है, यूग्लिना आपका गिल्स को यूज करता है। सो गाइस सी और डी दोनों आंसर हो सकते थे। ठीक है, दोनों आंसर हो सकते थे। ठीक है, जिन्होंने सी लगाया और जिन्होंने डी लगाया, दोनों का सही है, दोनों का सही है। ठीक है, दोनों का सही है, बहुत आपके आंसर है। ठीक है, दोनों आपके आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज सिचुएटेड इन बिटवीन। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके आपके किसके किसके बीच में होता है? लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल के बीच में, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में।
ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका किसके किसके बीच में सिचुएटेड होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व इज सिचुएटेड बिटवीन लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। गाइस तो आंसर है आपका राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व सिचुएटेड होता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। पुष्पेंद्र बेटा गलत हो आप। ठीक है, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका बाइकस्पिड होता है, ट्राइकस्पिड नहीं होता है। ट्राइकस्पिड नहीं होता है गाइस, ट्राइकस्पिड आपका राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। जाके देख लेना एक बार, जाके देख लेना जो लोग ए ए कर रहे हैं, जाके देख लीजिएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका किसके अंदर होता है, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। एसए नोड इज लोकेटेड एट, एसए नोड कहां पे होती है? लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। एसए नोड कहां पे प्रेजेंट होती है गाइस? एसए नोड इज लोकेटेड एट, यस इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं हम। ठीक है, चलो गाइस बिल्कुल सही जवाब सी होता है। एसए नोड होती है आपकी साइनो ऑरिकुलर नोड, जो आपकी पाई जाती है राइट अपर एट्रियम, आपका राइट एट्रियम के राइट अपर पोर्शन में पाई जाती है आपकी एसए नोड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। पाथवे ऑफ मायोजेनिक इंपल्स कंडक्शन इज, आपका इंपल्स जो होती है हार्ट के अंदर वो कहां से कहां ट्रेवल करती है? एसए नोड से एवीएन, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर्स। एसए नोड से एवीएन, परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, एवीएन से बंडल ऑफ हिज, एसए नोड आपका परकिंजे फाइबर्स, और आपका एवीएन एसएएन बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, मायोजेनिक इंपल्स कंडक्शन कहां से कहां होता है? यस दिस इज फॉर एनटीएससी, एनटीएससी के लिए बेटा। ठीक है गाइस, आंसर है आपका ए। एसए नोड से आपके इंपल्स जनरेट होते हैं जो आपके एवी नोड की तरफ जाते हैं, वहां से आपके बंडल ऑफ हिज और फिर आपके परकिंजे फाइबर्स की तरफ आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्व प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है आपका लेफ्ट ओरिकल और वेंट्रिकुलर अपर्चर के बीच में? कौन सी वॉल्व होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेमीलुनर वॉल्व, मिट्रल वॉल्व और नन ऑफ दिस। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इसका आपको आंसर बताया था गाइस। यस गाइस, सो आंसर है आपका मिट्रल वॉल्व। कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है? मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होती है आपकी लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। ठीक है चलो, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएकेडमी पे 9:30 बजे, ठीक है 9:30 बजे क्लास है। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है या प्रेशर इन ग्रेट मेंस। पल्स में जो हम प्रेशर नापते हैं वो प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज अ डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर इन ग्रेट मेंस। क्या होता है पल्स प्रेशर?
गाइस आंसर है आपका सी, पल्स प्रेशर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है आपका पल्स प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, ग्लूकोज का पूछा भाई, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन कहां से आती है? वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, बोथ फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपकी एटमोस्फेरिक एयर से आती है। द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन कहां से आती है? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, बोथ फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोस्फेरिक एयर। सो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से आती है आपकी ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और आपकी पानी के अंदर की जो भी ऑक्सीजन होती है वो तो रिलीज हो जाती है, वो तो बाहर निकल जाती है। आपसे ग्लूकोज का पूछा है कि ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, तो आपकी CO2 से आती है। कहाँ से आती है? CO2 से आती है बेटा, CO2 से आती है। ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है C6H12O6, वो जो छह आपके क्या है, छह एटम जो ऑक्सीजन के होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आपके कहाँ से आते हैं? CO2 से आते हैं, ठीक है। चलो इफ लीवर इज रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन्स बॉडी देन विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड विल इंक्रीज, अगर आपका ह्यूमन की बॉडी के अंदर से, ठीक है, लीवर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट जो होगा ब्लड का वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यूरिया बढ़ेगा, अमोनिया बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा या यूरिक एसिड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा ह्यूमन के ब्लड के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर कौन सा कंपोनेंट बढ़ जाएगा? गाइस एक बार यार बता दो कैसा लगा आपको क्विज, ठीक है, गलतियों को इग्नोर कर देना, जो मेरे पोल वगैरह क्या थे, पोल वगैरह जो थोड़े मिस हो गए या फिर मिस क्लिक हो गया, उनको इग्नोर करके बता दो यार, उनको इग्नोर करके बता दो कैसा लगा आपको, ठीक है। चलो अमोनिया, अमोनिया का लेवल बढ़ता है किसके अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर क्या होता है, अगर आप लीवर को निकाल दोगे तो आपका अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि लीवर क्या करता है आपका, लीवर अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर, ठीक है, यूरिया के अंदर आपको किसको कन्वर्ट करता है, अमोनिया को, ठीक है। चलो गाइस क्विज कंप्लीट हो गई है, सैमुअल ने टॉप किया है 31837 पॉइंट्स के साथ, और सेकंड पे आपके महेंद्र, थर्ड पे नोना सिंह, तो फोर्थ पे आपका, फोर्थ पे कौन है, सब अपनी अपनी रैंक बता दो यार, सब अपनी अपनी रैंक बता दो भाई, ठीक है, अपनी अपनी रैंक बता दो सारे लोग गाइस। और अगर आप लोग एक और क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है, एक और क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो सारे लोग 9:30 बजे अनअकैडमी के ऊपर आ जाना, मैं एक्सक्रीशन के ऊपर क्विज लेने वाला हूँ, ठीक है, पर्टिकुलरली एक्सक्रीशन टॉपिक के ऊपर क्विज लेने वाला हूँ। टेलीग्राम आईडी मैंने दे दिया है आपको नीचे, ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम आईडी मैंने दे दिया है, ठीक है। महेंद्र सिंह बोल रहा है सर मैं सेकंड रह गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। यश चौहान 15, क्रिएटिव स्टार 10, ठीक है, पदम मीणा 7th, वेरी गुड गाइस, सैमुअल 1st, कॉन्ग्रेचुलेशन सैमुअल। गाइस मैं ट्राई करूंगा यार, मैं ट्राई करूंगा कि अगली बार से गलती ना हो, ये जो पोल्स वगैरह में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी, ठीक है, ये आपकी अगली बार ना हो। गाइस देख लो ये मेरा नंबर है स्क्रीन के ऊपर, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है और ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे मैसेज कर दो अगर आप 9:30 बजे का क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हो एक्सक्रीशन के ऊपर, जो मैं स्पेशल क्लास में लेने वाला हूँ अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। ओके गाइस, सो गाइस ये मेरा है कोड, इस कोड को आप यूज कर सकते हो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है, तो ये कोड यूज कर सकते हो, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्विज करते रहेंगे यार गाइस, ठीक है, क्वेश्चन करते रहेंगे। और अगर आप 10th का पढ़ना चाहते हो, 10th का अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो ये चैनल आपको दिख रहा है लेट्स क्रैक 10 CBSE, वहां पे जाके गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वहां पे 3:30 बजे मैं आके पढ़ाता हूँ डेली, 3:30 बजे मैं आता हूँ, पूरी NCERT को कवर कराता हूँ। साथ ही साथ आपके जो अदर टॉपिक्स होते हैं, जो आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आप बोर्ड्स की प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आंसर प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोगों की, तो इस चैनल पे आके फॉलो कर लो एक बार। तो आपको क्या मिलेगा, आपको NTSC के साथ साथ आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, क्योंकि गाइस अल्टीमेटली आप लोगों को बोर्ड्स तो देना ही है, ठीक है। तो बोर्ड्स अगर आपको देना है, तो आपको बोर्ड्स के आंसर लिखने आने चाहिए कि बोर्ड्स में आंसर कैसे लिख पाएंगे। तो वो तभी लिख पाएंगे जब आप क्या करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। ये भी आपका NTSC का ही क्या, आपका अनअकैडमी का ही चैनल है, जो पर्टिकुलरली 10th क्लास के लिए डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे आपको सारे टीचर्स मिलेंगे मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, ठीक है, और आपका इंग्लिश के लिए, ठीक है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सारे टीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो आपकी 10th की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। सो गाइस कैसा लगा यार, कैसा लगा एक बार बता दो, सारे लोग बता दो। जल्दी से सेकेंड क्विज लेके आऊंगा, अगले हफ्ते वापस क्विज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, एंड विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीक, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड गाइस अगर आपको अच्छा लगा क्विज, तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के ऊपर, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि आपको कैसा लगा है। और गाइस शेयर दिस वीडियो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को क्या मिले, एक प्रैक्टिस मिले करने की, क्वेश्चंस वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए, ताकि वो भी क्या कर सके, वो भी NTSC के अंदर, ठीक है, कमाल दिखा सके। और क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे ना गाइस, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही एक फंडा होता है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें, उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, दैट्स बीन फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ओके गाइस, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ये चैनल का नाम है, जाके अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम जल्दी ही मिलेंगे यार, जल्दी ही मिलेंगे, बहुत जल्दी। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, एंड यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।